हमेशा से मुझे इस बात का पता, पता था अनफॉर्चुनेटली <laughs> क्योंकि आई थिंक एवर सिंस विजन मैं जब से पैदा हुई हूँ मुझे लगता है uh, मैं uh, शीशे के सामने हमेशा से परफॉर्म कर रही थी

ए ग्रेड स्टूडेंट ऑलवेज और मेरे ए लेवल्स में भी मेरे कोई ये मीडिया से रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं थे मुझे ऐसा एक्चुअली डर लगता था अम्मा को कहते हुए कि मुझे एक्टिंग करनी है तो जब मैंने स्टार्ट भी करना था तो मैंने निकाल के भेजा अम्मा का जो आप एग्जैक्टली आई कैन बैक सो लाइक शी इज वेरी सपोर्टिव मैं uh. आज भी उन्हें कहूँ कि मुझे कुछ भी करना है

तो मुझे 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 उनको उनको जो है ना मैंने उनको बताया ही इस रूट से hmm. uh, yeah. 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 so थिएटर किया काफी सारा शॉर्ट फिल्म दो है। दो अम्मा ने बहुत बहुत मेहनत करके मुझे याद है अम्मा कहती थी कि मेरी जो बेटी है ना बेस्ट स्कूल में जाए बेस्ट कॉलेज में जाए

उन्होंने uh, 70s में 80s में काफ़ी फिल्म्स बनाई शान की अम्मा के साथ नीलो जी के साथ कमाल जी के साथ ही डाइड वेरी यंग लाइक इन लेट थर्टीज अर्ली फोर्टीज वो वफात पा गए लंग्स कैंसर की वजह से फिर अम्मा केम फ्रॉम क्वाइट स्ट्रगलिंग फैमिली और इजाज़त नहीं थी काम करने की आई थिंक उनकी जितनी भी महरूमियाँ थी उनकी जितनी भी स्ट्रगल थी एक जनरेशन ने इतने सेक्रीफाइस किए ताकि जो जो ये clear, मेरी हां हाँ, हाँ, है वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर सके एंड आई थिंक एजुकेशन का कोई नेमल बदल नहीं होता इट्स सो इंपॉर्टेंट यू इट ग्रूम्स यू सो मच